बांटो हुआ राज्य। दाऊद राजा ने 40 साल तक राज्य करी, फिर हु मर गई और ओके टूरा सुलेमान ने इज़राइल पे राज्य करना शुरू करी। परमेश्वर ने सुलेमान से बात करी और ओके से पूछी कि हु सबसे ज्यादा काय को चाहते कि परमेश्वर ओके गुना करे। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगिस कि हु मोको बहुत बुद्धिमान बना दे। या बात ने परमेश्वर को प्रसन्न करी। एके गुना परमेश्वर ने सुलेमान को संसार को सबसे बुद्धिमान मानुष बना दे। सुलेमान ने कई सारी बात ना उनको सीखीस और हु एक बुद्धिमान राजा होतीस। परमेश्वर ने ओको बहुत धनवान भी बना दे होतीस। यरूशलेम में सुलेमान ने हु मंदिर को बनाई जेके गुना ओके दादा ने योजना बनाए होतीस और सामान को जमा करे होतीस। अब लोग मिलाप वाले तंबू के बजाय मंदिर में परमेश्वर की आराधना करत होतीन और ओके गुना बलिदान चढ़ात होतीन। परमेश्वर आय के मंदिर में उपस्थित रहत होतीस और वहाँ पे और वहाँ हु अपने लोग ना उनके संग रहत होतीस। पर सुलेमान ने दूसरे देश नाउन की बाई नाउन से प्यार करी। उन्हें कई सारी लगभग 1000 बाई नाउन से बिहाव करके परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी। इनके में से कई सारी बाई नाउन दूसरे देश नाउन से आईन और अपने संग अपने देवता नाउन को भी लाइन और हुन की उपासना करनो शुरू रखीन। जब सुलेमान बुड़गो भय गई तो उन्हें भी हुन के देवता नाउन की उपासना करी। या कारण से परमेश्वर सुलेमान से गुस्सा भय होतीस। उन्हें कहिस कि हु इसराइल देश को दो राज्य में बांट देन के कारण ओको दंड दे है। हु सुलेमान के मरण के बाद असो करे। सुलेमान के मरण के बाद रहबाम राजा बनीस। इसराइल देश के सपाई लोग ओको अपने राजा के रूप में मानन के गुना एक संग जमा भई। उनने रहबाम से शिकायत करीन कि सुलेमान ने उनके से बहुत कठिन मेहनत करवाए होती और ज्यादा से ज्यादा कर ले होती। उनने रहबाम से विनती करीन कि उनसे कम काम करवाए। मगर रहबाम ने उनको बड़े कठोरता से जवाब देईस, तुम कहता हो कि मोरे दादा सुलेमान ने तुम्हारे से कठिन मेहनत करवाईस, पर मैं तुमको ओके से भी ज्यादा मेहनत करवाऊं और मैं तुमको ओके से भी ज्यादा दुखी करूं। जब लोग नाउन ने ओको असो कहत सुनीन तो उनके में से कई लोग नाउन ने ओके खिलाफ विद्रोह करीन। 10 गोत्र नाउन ने ओको छोड़ देन। ओके संग अब सिर्फ 2 गोत्र बचीन और ही 2 गोत्र नाउन ने खुद को यहूदा को राज्य कहीन। बाकी के 10 गोत्र नाउन ने यरोबाम नाम के एक मानुष को जो अपनो राजा बना लेन ही गोत्र देश के उत्तर पूरब के भाग में होतीन। उनने खुद को इसराइल को राज्य कहीन। पर यरोबाम ने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करीस और लोग नाउन से पाप करवाईस। उन्हें अपने लोग नाउन के जरिया से उपासना करन के गुना 2 मूर्ति नाउन को बनाईस और ही अब यहूदा के राज्य में यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में ओ की उपासना करन के गुना नी गईन। यहूदा और इसराइल के राज्य दुश्मन बन गईन और हमेशा एक मेक के खिलाफ लड़न लगीन। इसराइल के नए राज्य में सपाइच राजा दुष्ट होतीन। इनके में से कई राजा उन जागा पे राजा बनन की इच्छा रखन वाले दूसरे इसराइली लोग ना उनके जरिया से मारे गईन। इसराइल राज्य के सपाई राजा ना उनने और ज्यादा लोग ना उनने मूर्ति ना उनकी उपासना करीन। जब उनने असो करीन तो ही हमेशा वेश्या ना उनके संग सोइन और यहाँ तक कि कई बार मूर्ति नाउन के सामूर टूरा नाउन को बलिदान भी करीन। यहूदा राज्य के राजा दाऊद के पीढ़ी के होतीन। ही राजा नाउन में से कई साजरे मानुष होतीन जिनने न्याय से राज्य करीन और परमेश्वर की आराधना करीन। पर यहूदा देश के कई राजा दुष्ट होतीन। उनने दुष्टता से राज्य करीन और
मूर्ति नाउन की उपासना करी। यहाँ तक कि इनके में से कई राजा नाउन ने झूठे देवता नाउन के सामूर अपने टूरा नाउन को भी बलि कर दी। यहूदा के कई लोग नाउन ने भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करीन और दूसरे देवता नाउन की उपासना करीन।